बुपनिया के जितेंद्र ने दिलाई पंजाब को जीत। बुपनिया स्थित जयफिर अखाड़े के पहलवान जितेंद्र कुमार ने पंजाब की टीम को जीत दिलाई। जितेंद्र पिछले 10 वर्ष से कुश्ती कर रहा है। अपनी प्रतिभा के दम पर वह नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है। पिछले वर्ष जितेंद्र ने फाइनल मैच में निर्णायक बाउट को जीतकर पंजाब को खिताब दिलाया था। उस दौरान जितेंद्र ने हरियाणा हैमर्स के सुमित को हराया था। जितेंद्र के प्रदर्शन को देखते हुए ही पंजाब ने इस बार उसे 16 लाख रुपए में खरीदा है। जितेंद्र की उपलब्धियां अनगिनत हैं। 11 बार भारत कुमार बने जितेंद्र, आफताबे हिंद का खिताब, राजीव गांधी गोल्ड कप विजेता, सीनियर नेशनल 2015, 16 और 17 में गोल्ड, नेशनल गेम्स 2015 में गोल्ड, इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप सिंगापुर 2016 में गोल्ड मेडल, इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका 2017 में गोल्ड मेडल, फरवरी 2018 में किर्गिस्तान में होने वाली एशियन चैंपियनशिप में चयन। जितेंद्र के कोच जयवीर अखाड़ा के संचालक जयवीर कोच का कहना है कि इस बार भी जितेंद्र अपनी टीम को खिताबी जीत दिलाएगा। जितेंद्र की जीत पर गांव के सरपंच जीते प्रधान, सतेंद्र प्रधान, नवीन, मन्नू, जय भगवान नंबरदार, सत्य और विजय आदि ने खुशी जताई है। कोच का कहना है कि अखाड़े में लौटने पर जितेंद्र का जोरदार अभिनंदन किया जाएगा। प्रवीण पर हमेशा भारी पड़ा है जितेंद्र। 74 किलोग्राम भार वर्ग में प्रवीण देश का नामी पहलवान है। इसी कैटेगरी में जितेंद्र भी खुद को लगातार बेहतर साबित कर रहा है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में जितेंद्र और प्रवीण अभी तक 6 बार आमने सामने हुए हैं। जितेंद्र का पलड़ा हमेशा प्रवीण पर भारी रहा है। इन 6 मुकाबलों में जितेंद्र ने 5 बार जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला प्रवीण ने जीता है। गांव बुपनिया में जितेंद्र की जीत पर गांव बुपनिया में खुशी की लहर दौड़ गई है। जितेंद्र के कोच जयवीर पहलवान व साथी पहलवानों ने मुंह मीठा कर एक दूसरे को बधाई दी वे खुशियां मनाई। जितेंद्र ने नाम किया रोशन।